नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस के कहर के बीच लोगों के मन में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी आता है कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर कब कोरोना होने का खतरा बढ़ जाता है। आपको बता दें कि पिछले साल यानी कि 2020 में संक्रमित के 10 मिनट संपर्क में आने पर संक्रमण होने का खतरा था, लेकिन इस बार क्या समय कम हो गया है? ऐसे में एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस पर मिलने के स्थान पर भी निर्भर करता है। जैसे अगर कहीं बाहर मिल रहे हैं खुले वातावरण में, तो वहाँ जल्दी संक्रमित नहीं होंगे, लेकिन अगर किसी बंद जगह छोटी जगह पर मिल रहे हैं तो संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसलिए कह सकते हैं 10 मिनट का ये अंतर निश्चित नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है कि इस वक्त जो कोरोना वायरस उभरा है वो हमारे शरीर में चिपकने की ज्यादा शक्ति रखता है, यानी बहुत कम वक्त में ही ये शरीर में प्रवेश कर जाता है। ऐसे में अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जो संक्रमित हो या बाद में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई हो, तो ऐसे में आप उसी दौरान से खुद को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर लीजिए और न सिर्फ अपने घर परिवार बल्कि बाहर भी जाने से खुद को रोकें। इस दौरान आप अपना ऑक्सीजन लेवल भी चेक करते रहें। किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत ही जांच करवाएं। वहीं आपको बता दें कि 14 दिनों के इस क्वारंटीन में आपके अंदर अगर लक्षण नहीं आ रहे हैं तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।